स्वागत है आपका डेली हिंद में। घरों में लूट, मंदिरों में किए हमले, आखिर इन हिंसाओं से चीख रहा बांग्लादेश। जो दिख रहा वो असल में है नहीं, मामला हो रहा अब बेहद गंभीर। दरअसल बांग्लादेश में जो फैली हिंसा है उसमें आखिर कहां तक सच्चाई है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन ऐसे में हिंसा का दौर अब तक जारी है। वहीं बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर चुप भी उचित नहीं है और मामला बेहद गंभीर होता हुआ भी अब दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब क्या है मामला आपको बताते हैं। दरअसल बता दें कि ये मामला अब का नहीं बल्कि जून 2021 से फैला है। वहीं एक बंगला अखबार में दावा किया गया कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा है, वह यहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। बता दें कि ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के साथ साथ चीन भी अपना यहाँ साठ गार्ड बनाए रखना चाहता है। ऐसे में जिस जगह निगाहें पड़ जाए वो देश हमेशा तबाही का ही मंजर देखता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, फिलिस्तीन, रूस, यूक्रेन, ये सब इसका सबूत है। लेकिन अब इन दिनों की जंग में बांग्लादेश बलि का बकरा बन गया है। चीन ने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी हार्डवेयर में भारी निवेश कर रखा है। हर साल बांग्लादेश में खर्च बढ़ता जा रहा है, तो वही अमेरिका वहां एक सैन्य बेस बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है ताकि उस जगह से चीन समेत कई मुल्कों पर निगाहें रख सके। भारत को यह खेल पता है, इसलिए वह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वही बता दें कि शेख हसीना ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि वो सेंट मार्टिन म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर ईस्ट तोमर जैसा ईसाई देश बनाने की साजिश रच रही है। वही एक व्हाइट मैन ने चुनाव से पहले उन्हें ऑफर भी दिया था कि यदि वह अपने देश की सीमा में आर्मी बेस बनाने की अनुमति देती है तो वो बिना किसी परेशानी के चुनाव कराने दिया जाएगा। हालांकि शेख हसीना ने ये नहीं बताया था कि वो देश और वो और व्हाइट मैन कौन है, लेकिन अब तक शक की सुई अमेरिका पर ही उठती है। वहीं शेख हसीना को इस बारे में पहले से अंदाजा था, वे जानती थी कि अमेरिका धार्मिक आधार पर बांग्लादेश का विभाजन करवाने की कोशिश कर रहा है, पूर्वी तोमर जैसे गैर मुस्लिम बहुल देश का निर्माण करवाने की उसकी मंशा है ताकि उसका मकसद पूरा हो सके, क्योंकि चीन विद्रोह ईसाई विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं। खैर इसमें सवाल यह भी उठता है कि चीन आखिर क्यों बांग्लादेश में कब्जा करना चाहता है। तो बता दें कि चीन राजनीतिक विस्तार करना चाहता है जिसमें बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बीते पिछले कुछ वर्षों में चीन बांग्लादेश को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद दिया है, लड़ाकू जेट, युद्धक टैंक और नौसेना के फ्रिगेट, पनडुब्बियों और मिसाइल बोट वहीं से आते हैं। चीन ने बांग्लादेश के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसा लगाया है, जबकि 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। आज वह बांग्लादेश एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है, शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा वह बांग्लादेश को तवज्जो दे रहा है। वहीं बांग्लादेश में 1971 में देश की आजादी के लिए लड़ने वाला स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षण के खिलाफ जुलाई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए। हालात इतने बदतर हो गए कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वहीं नई अंतरिम सरकार के गठन होने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। 84 वर्षीय अर्थशास्त्री यूनुस ने बीते गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली थी, लेकिन ऐसे में वहां के लोगों में ये डर का भी माहौल बना हुआ है
कि क्या उन्हें इस मामले की उनकी मांग पूरी की जाएगी या नहीं, या यूनुस भी हिंदुओं बांग्लादेश के शरणार्थियों के साथ खेल खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं खैर, जब से ये हिंसा भड़की है तब से सभी की निगाहें बांग्लादेश के मुद्दों पर ही बनी हुई है। वहीं ऐसे में कई पार्टियों के नेताओं के बयान भी आ चुके हैं, तो वहीं अपने बयानों से खुद घिरते हुए भी नजर आए हैं। बता दें कि हाल ही में एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार छात्राओं को संबोधित करते हुए यूनुस ने कहा, आपके प्रयासों को बर्बाद करने के लिए कई लोग खड़े हैं, इस बार असफल मत होइए। वहीं यूनुस ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की और इन हमलों को जंघे बताया। वहीं यूनुस ने देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की और इन हमलों को जंघे बताया और इन सभी छात्राओं से अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को नुकसान से बचाने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने राष्ट्र की एकता पर जोर देते हुए ये कहा कि वे इस देश के लोग नहीं हैं। आप देश को बचाने में सक्षम हैं क्या? आप परिवारों को नहीं बचा सकते? आपका कहना होगा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरे भाई हैं, हम एक साथ लड़े और हम एक साथ लड़ते रहेंगे। खैर, ये थे यहाँ पे बांग्लादेश में हो रहे हिंसाओं को लेकर के सभी बातें। ऐसे में सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस और तस्वीरें यहाँ वायरल हो रही हैं, जिसमें ये देखने को मिला है कि कई सारे जो हिंदू मोर्चा के जो लोग हैं या कई हिंदू को समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो मारे गए हैं। सोशल मीडिया पे यही दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। काफी सारे ये दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन सभी लोगों में से यहाँ एक पुलिसकर्मी जो कि हिंदू थे और वहीं पे शेख हसीना के जो पार्टी यानी कि आवामी लीग से जो एक सदस्य थे उनकी मौत हुई है, जहां पर जो है वो शेख हसीना जो है वो काफी ज्यादा इस मामले को लेकर के जो है वो तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी यहां पर जो है वो आगे क्या होगा, बांग्लादेश के जो मुद्दे हैं वो यहां पर काफी ज्यादा तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अल जजीरा के एक न्यूज रिपोर्ट में भी ये बताया गया था कि यहां जो मरने वालों की जो संख्या है वो यहाँ मुस्लिमों की भी है और हिंदुओं की भी है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये सारी मौतें क्या सचमुच में वाकई हिंदुओं को ही है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर टारगेट ऐसा किया जा रहा है कि यहाँ जो मुस्लिम है सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन असल में यहाँ पर जो मरने वालों की संख्या है वो यहाँ मुसलमानों की भी है और हिंदुओं की भी है, लेकिन यहाँ पर जो मीडिया है वो यहाँ बढ़ा चढ़ा करके सिर्फ वही दिखा रही है जो यहाँ देशवासी देखना पसंद कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बताया यही जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों की ही हत्या हुई है, लेकिन अगर यहाँ पे पीछे की रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ ये कोई नहीं बता रहा है कि इसमें यहाँ पे मुसलमानों की भी मौत हुई है। बाकी यहाँ पर और क्या क्या रिपोर्ट सामने आएगी मैं यहाँ पर जो है वो लेकर के फिर एक बार हाजिर होंगी। बाकी आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।